नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पाल में पहला एक दिवसीय मुकाबला खेला जा रहा है, जहां दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों के लिए मुसीबत बन गए हैं। टेम्बा बावुमा ने टेस्ट में भी दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी संभाली थी और आज भी गिरती हुई अफ्रीकी बल्लेबाजी को संभालने का काम किया है। आपको बता दें कि आज बावुमा ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आज दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत में अपने 3 विकेट 80 रनों के भीतर ही गंवा दिए, जिसकी वजह से अफ्रीकी टीम को शुरुआती ओवरों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मगर इस पारी में एक बार फिर से बावुमा ने अफ्रीकी टीम को बिखरने से बचाया। आपको बता दें कि बावुमा आज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे, जब जानेमन मलान अपना विकेट सस्ते में गंवा बैठे। मगर बावुमा ने पारी को संभालते हुए छोटी छोटी साझेदारियों के साथ अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। टेम्बा बावुमा ने आज एक बार फिर अर्धशतक पूरा किया। ये उनके वनडे करियर का 3रा अर्धशतक है। आज जिस तरह से बावुमा ने बल्लेबाजी की, उसकी वजह से भारतीय गेंदबाजों को काफ़ी मुश्किल हुई है। आपको बता दें कि शुरुआत में बावुमा को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, मगर उसके बाद रासी वेंडर डुसेन के साथ मिलकर बावुमा ने पारी को आगे बढ़ाया। फिलहाल बावुमा अर्धशतक पूरा कर चुके हैं और अब उनकी टीम को आज यहां से उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।